आगे बढ़ते हैं तो अब बड़ी जानकारी दे दें, आबकारी विभाग में 4.5 करोड़ के गबन की आशंका है। चूरू जिला आबकारी कार्यालय का मामला सामने आया है। अप्रैल से जुलाई तक 4.52 करोड़ की अनियमितता सामने आई है। एडजस्टमेंट के नाम पर लाइसेंसियों को खाते में राशि जमा हुई, इसके पेटे लाइसेंसियों ने कर देशी मदिरा का उठाव कर लिया। अप्रैल से जुलाई तक 19 लाइसेंसियों के खाते में राशि भेजी गई। इसके में विभाग के फर्जी एडजस्टमेंट आदेशों का हवाला दिया गया। विभाग ने पूछा तो जिला आबकारी कार्यालय ने एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया। डीओ लक्ष्मीनारायण के लॉगिन से किया गया राशि का एडजस्टमेंट। मामला खुलने पर विभाग ने करवाई इस पूरे प्रकरण की जांच। आबकारी विभाग ने संबंधित बाबू को निलंबित कर दिया। डीओ लक्ष्मीनारायण को नोटिस देकर जवाब मांगा है। सॉफ्टवेयर से जुड़ी खामियों को दूर करने की कवायद शुरू की गई है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। अभिषेक, 4.5 करोड़ के गबन की आशंका, अब बताइएगा गबन की आशंका तो लगी है, लेकिन गबन कैसे किया जा रहा था, किसके मार्फत हो रहा था? देखिए, ये जो सारा एडजस्टमेंट लाइसेंसियों के खाते में किया गया, उसके लिए जो फर्जी आदेश है आपका रिजाते एडजस्टमेंट के, उसके आधार पर ये किया गया। क्योंकि जब मुख्यालय से पूछा गया कि किस तरह के एडजस्टमेंट किए गए, तो उसके बाद ये सामने आया कि जो 77 आदेश थे वो फर्जी थे और फर्जी आदेशों के आधार पर ये एडजस्टमेंट किया गया था। जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो आबकारी विभाग में जो 5% एडवांस टीसीए लिया जाता है लाइसेंस के, इसके अलावा 5% वार्षिक लाइसेंस फीस जमा की जाती है। और ये जो राशि है वो अलग अलग त्रैमासिक में इस राशि का एडजस्टमेंट किया जाता है। लेकिन जो चूरू है, चूरू जिला आबकारी कार्यालय, उसमें 4.5 करोड़ की गबन की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ये 19 नहीं करीब 30 लाइसेंस खाते में 77 फर्जी आदेशों के आधार पर ये राशि जमा की गई और जो है ऑनलाइन जमा की गई। तो आबकारी विभाग के सॉफ्टवेयर में जो खामी है उसको भी देख रहा है और उसके अलावा जो संबंधित जो बाबू हैं उसको भी, उनको भी जो है निलंबित किया गया और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।